वेरी ब्रीफली 5 10 उसको पेल्विक फ्लोर को रिव्यू कर लेता हूँ। सर जी आपकी बात सर जी जी सर बात करने से पहले सर एक छोटी सी बात, लड़कियां कह रही हैं कि सर आप वो एग्जाम का बता दें कि आपने बात की थी कि हम अपने दिमाग से निकाल दें डिलिंग वाली। जी मैंने कह दिया था, तो फौरन कह दिया था, तो उसी दिन कह दिया, उनका जवाब नहीं आया सर। वो हमें आ गया जवाब सर, आ गया जी सर, वो कह रहे हैं कि हमने डिले नहीं करना। उन्होंने ये कहा था कि मैं टोटल एग्जामिनेशन का प्लान देखता हूँ, अगर वो दिन फारग होंगे तो फिर शिफ्ट हो सकता है, अगर वो बैक टू बैक सब दिन ऑक्यूपाइड हैं फिर एग्जामिनेशन ब्रांच के लिए मुश्किल हो जाता है ओवरलैप करना किसी के साथ। ये था उनका जवाब। फिर कहा मैं देखूंगा दूर, लेकिन जवाब नहीं आया तो इसका मतलब आपको आ गया है, तो वही है कि फिर नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपकी सिफारिश फरमाइश जरूर पहुंचा दी। थैंक यू सो मच। चले चले यूट्यूब जैसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वेरी ब्रीफली कि नियरली 10% रिस्क है प्रोलैप्स का इन लाइफ टाइम हर पेशेंट को, और जिनकी एज 50 से ज्यादा हो जाए उनमें कॉमनेस्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी प्रोलैप्स ही है, मतलब इतना कॉमन है विद एज। और हिस्ट्री ये है कि मोस्टली इट इज एसिम्प्टोमेटिक, वो जनरली पेशेंट्स पुट अप विद दिस के ये उम्र के साथ है, इसका कोई वो तकलीफ दे नहीं रहा, इसलिए वो कंसल्ट ही नहीं करते, एसिम्प्टोमेटिक। और नियरली हाफ ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, इतना कॉमन है एसिम्प्टोमेटिक प्रोलैप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे ना फॉर एनीथिंग एल्स, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, कोई और सिम्टम है और यू फाइंड एसिम्प्टोमेटिक प्रोलैप्स, तो जरूरी नहीं उसका इलाज करो। एक आज की पहली टिप आप लोगों के लिए, कोई पैथोलॉजी एसिम्प्टोमेटिक है जरूरी नहीं उसका इलाज, अनलेस इट इज मैलिग्नेंट, अब पोटेंशियल टू बिकम मैलिग्नेंट। मैं दोहराता हूं, आपके पास पेशेंट आता है उसको फाइब्रॉइड्स हैं एसिम्प्टोमेटिक, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, वो मायोमेक्टोमी में उसकी जरूरी नहीं है, अनलेस कि वो फाइब्रॉइड दे आर ग्रोइंग इनटू द यूटेरिन कैविटी डिस्टॉर्टिंग द कैविटी, और वो तो फिर एसिम्प्टोमेटिक नहीं होगा ना, जहां पे पेन है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या कुछ और है। इफ यू जस्ट डायग्नोज के फाइब्रॉइड भी है इस पेशेंट को, if they are not distorting the uterine cavity, उसकी मायोमेक्टोमी जरूरी नहीं है। So asymptomatic problem को जरूरी नहीं आप surgically treat करें, क्योंकि होता क्या है कि patient को incidental finding थी fibroid, आपने मायोमेक्टोमी कर दी और उसके बाद वो symptomatic हो गया due to surgery, कोई अंदर एडिशन बन गई, कुछ हो गया, वो फिर सारी उम्र आपको ब्लेम करता है, डॉक्टर साहब ने सर्जरी की, डॉक्टर साहब ने सर्जरी की, तो अननेसेसरी आपके पल्ले पड़ जाता है। सो इसी तरह प्रोलैप्स है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है जरूरी नहीं कि उसका ट्रीटमेंट करो, कुछ भी मेक एन ऑब्जर्वेशन नोट में लिख लो कि इसको फर्स्ट सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है और कुछ ना करो। लेकिन अगर प्रोलैप्स की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है, उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसको पेन है, बेरिंग डाउन पेन है, या यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है सिम्टम, फिर तो ऑब्वियसली यू विल ट्रीट दैट प्रोलैप्स। प्रोलैप्स के प्रीडिस्पोजिंग फीचर्स क्या हैं वो आपको पता है,
मीनोपॉज के बाद ज्यादा कॉमन है, पेरिस वेमन में ज्यादा कॉमन है जिनके बच्चे पैदा किए हों, ओवरवेट और फिर प्रीवियस पेल्विक सर्जरी के बाद ज्यादा कॉमन है, और फैमिली हिस्ट्री होती है प्रोलैप्स की, कुछ है जेनिटल कंजेनिटल इफेक्ट इसमें। फिर इसकी स्टेजेस 1, 2, 3, 4 आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, यू नो इट। देन वी कम टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल भी है, सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में पहले तो जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है उनका इलाज कर लो, वजन ज्यादा है उसको कम करो, उसको एडवाइस करो ज्यादा देर खड़ी ना रहे, बोझ ना उठाए वगैरह वगैरह, इस तरह की एडवाइस, जनरल एडवाइस। तो और प्रेफरेबली उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताइए। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आर, मैं इस तरह बताया करता हूं कि यू टेल द पेशेंट कि आप किसी के घर जाएं, वहां पे आपको पेशाब आया हो, आप पेशाब करना ना चाहें, वहां उनका बाथरूम ना इस्तेमाल करना चाहें आप, तो यू टाइटन योर पेल्विक फ्लोर, मसल्स को टाइट करते हैं। एग्जैक्टली वो टाइटनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर आप उसको एक्सरसाइज के तौर पर सुबह दोपहर शाम कीजिए, आसान है। देन वी कम टू पेसरी ट्रीटमेंट। जनरली रिंग पेसरी इस्तेमाल होती है, वो हर 3 से 6 महीने बाद चेंज करनी होती है, ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन पेसरी अगर डाले अर्ली प्रोलैप्स में तो नियरली 60% आर क्वाइट हैप्पी विद पेसरी। सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका, ये तो आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा, या इंटीरियर रिपेयर या पोस्टीरियर रिपेयर या मैनचेस्टर रिपेयर या वजाइनेस्टेक्टमी एंड रिपेयर, ये दीज आर 4 कॉमन ऑपरेशंस जो आपने अपनी ट्रेनिंग में बहुत दफा देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे एपिकल प्रोलैप्स है, वॉल्ट का प्रोलैप्स है, वहां पे इनके अलावा जो किए जाते हैं वो वॉल्ट की फिक्सेशन है, या एब्डोमिनली या वजाइनली। एब्डोमिनली आप लैप्रोटोमी से भी कर सकते हो, लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते हो। बेसिकली एब्डोमिनली के तो वॉल्ट को आप फिक्स कर देते हैं सेक्रल प्री सेक्रल लिगामेंट के साथ, इसको एब्डोमिनल सेक्रो कॉल्पो पेक्सी कहते हैं। मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बताया कि वॉल्ट को खींच के सेक्रम के साथ फिक्स कर देते हैं ताकि प्री सेक्रल लिगामेंट जो है उनके साथ, या लैप्रोस्कोपिकली या ओपन लैप्रोटोमी। नीचे से वजाइनली वही वॉल्ट को आप फिक्स कर देते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ। ये बहुत आसान है, आप एक दवा करते देख लो, आप खुद भी कर लेंगे। सिर्फ एक स्विच लगता है नॉन अब्सॉर्बेबल मटेरियल का, नायलॉन का, एट दे आप फिंगर डाल के देखें इसके स्पाइन जहां पे है ये लिगामेंट वहां फिक्स होता है, आप वॉल्ट को उस इसके स्पाइन के साथ फिक्स कर देते, इजी, एक स्टिच लगाना है बस। और जो बूढ़ी औरतें हैं जिन क्वाइटस अब हो नहीं रहा या
they have given up sex. उसमें colpoclesis, जिसमें वजाइना को ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं. आई रिपीट, क्योंकि ये पूछा जा सकता था. एपिकल प्रोलैप्स या वॉल्ट प्रोलैप्स, इसको एब्डोमिनली फिक्स कीजिए आप प्री सेक्रल लिगामेंट्स के साथ, या वजाइनली फिक्स कीजिए सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ. और अगर पेशेंट ओल्ड है और क्वाइटस नहीं करती, सेक्स इज नॉट द इशू, फिर कॉर्पोक्लीसिस. लेकिन अगर वो करती है तो फिर वही वॉल्ट को फिक्स की. मैश एक जमाने में डाली जाती थी, अब नहीं, चूंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन. फिर दूसरा आपसे सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में, व्हाट मेजर्स विल यू टेक ड्यूरिंग डूइंग हिस्टेरेक्टमी टू अवॉइड वॉल्ट प्रोलैप्स. आप कहिए कि एब्डोमिनली, चाहे लैप्रोस्कोपिकली चाहे ओपन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, कि आप यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स को आपस में टाई करेंगे और पाउच ऑफ डगलस को लफ्स है ऑब्लिट्रेट करेंगे, बंद कर देंगे. नंबर दो, वॉल्ट को यूट्रोसेक्रल लिगामेंट के साथ भी स्टिच कर देंगे. तो सम इट अप, सर्जिकल प्रोसीजर्स आर एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड रिपेयर, मैनचेस्टर रिपेयर, वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए वजाइनल सेक्रोकॉल्पोपेक्सी, यानी फिक्सेशन विद सेक्रम, या जैसे अभी बोला सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ. और कॉर्पोक्लिसिस उनमें जहां पे क्वाइटस इज नॉट ए प्रॉब्लम. मैंने वेरी ब्रीफली ये समरी की है. अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पहले केस डिस्कशंस कर लूं, बाद में पूछ लीजिए, एज यू लाइक. चलें, अगर बोली कोई नहीं है आप में से, तो मैं आपको पहले चार सीन लिखवा दूं केस हिस्ट्रीज, क्योंकि इनमें से एक कोई पॉसिबल होगा अगर प्रोलैप्स का स्टेशन है. पहली केस हिस्ट्री जो कॉमन है, पेशेंट की एज 35-45 के दरमियान में है, मैरिड फॉर 10 years, पैरा 3, complains of something coming out of vagina with maybe some urinary symptoms. एक केस तो ये है, मैं दोहरा देता हूं. एज 35-45, मैरिड फॉर 10 years, पैरा 2 or 3, इन वे फैमिली कंप्लीट, something comes out of vagina
with some problem with micturition. एक तो ये हो गया. दूसरे केस में पेशेंट 70 प्लस थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है. साथ कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, और कोई आर्टेरियल डिजीज है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, सब मेडिकल प्रॉब्लम. ये दूसरा केस हो गया. तीसरा वही 70-80 ईयर ओल्ड बट इन गुड हेल्थ, थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स. चौथा हो गया यंग गर्ल 20-25 साल की एज है, नली प्रेस है, अभी शादी नहीं हुई या हुई है तो बच्चे नहीं है, कंप्लेन्स ऑफ सेकंड और थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स. ये मैंने बनाए हैं चार, यही इनमें से कोई एक आएगा अगर इम्तिहान में आएगा. डू यू वांट मी टू रिपीट दोस सीन्स के आपने नोट कर लिए? सर कर लिए नोट. दोबारा करूं? नो सर कर लिए. कर लिया, चलो गुड. चलो इमराना जी सर ब्राह्मिया वाली चले. जो सबसे कॉमन है वो ये होगा 35-40 वाला सर. 35-40 एज, मैरिड फॉर 10 इयर्स, पैरा 2, कंप्लेंस ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना फॉर 2 इयर्स, और उसको फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन भी है, डिस्यूरिया और फ्रीक्वेंसी. बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड टेकिंग द बायोडाटा फ्रॉम द पेशेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क अबाउट हर मैरिज फ्रॉम पेरिटी एंड स्टेटस ऑफ द मेनोपॉज. देन आई विल आस्क अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्पटम्स एंड आई विल आस्क अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एज. कितनी बोली है उसकी सर? 35-40. हां तो मेनोपॉज के तो आ गई. ओ सर सॉरी सॉरी सर. सॉरी का क्या मतलब होता है सर? वो असल में सर प्रोलैप्स में ना मेनोपॉज वाला आपके दिमाग में फिक्सेशन हो गई है कि प्रोलैप्स का पेशेंट है तो मेनोपॉज होगा. यही तो मुश्किल है इम्तिहान में. जी सर मेरा अपना केस भी 65 ईयर था तो वो सर इस वजह से तेन वो याद है ते हुन जेड़ा मैं दस है वो ते याद नहीं. बाबा फोकस. जी सर जो आपको बताया गया है उस पे एक मिनट पे शक ले लो एग्जामिनर से. फोकस ऑन दोस फाइंडिंग्स, उसकी एज पे, उसकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज पे, उसकी पेरिटी पे, उसकी सिम्टम्स पे और वगैरह वगैरह वगैरह. फिर बोलो तो इम्तिहान में 65 ईयर आई थी, यहाँ भी 65 टका दिया तुमने. जी सर मतलब यही है ट्रेजेडी आप लोगों की. टेक योर टाइम, देयर इज नो रश. आपको हिस्ट्री बताइए, आप उसके फीचर्स जो है उनको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो. उसकी एज है अंडरलाइन, उसकी मैरिज है अंडरलाइन, उसके बच्चे हैं अंडरलाइन, फिर उसके सिम्टम्स हैं अंडरलाइन. ये चार बातों को अंडरलाइन करके फिर बोलो. जी सर ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मतलब आज का
ये तुम्हें डांट जो है हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। चूंकि 65 ईयर थी पुरानी पेशेंट को, वो यहाँ पे वो हिटका दिया, तुम यहीं पे फेल हो गई हो, सारा तुम्हारा वाइवा के 35 साल की उम्र में मेनोपॉज हो गई है तो क्यों हो गई है? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है या इनसफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है और उसमें क्या करते हैं, वो सारा तुम्हारा वाइवा उस पे प्रीमेच्योर इनसफिशिएंसी पे चला जाएगा, वक्त जाया हो गया, ये इसका एक सवाल नहीं हुआ तो तुम तो फेल हो वहां पे। हालांकि तुमने प्रीमेच्योर इनसफिशिएंसी का बहुत ठीक जवाब दिया होगा, लेकिन रिलेटेड टू दिस सीन नहीं है वो। आप सब के लिए जब आपको एक केस इसकी बताई जाए उसमें आप पेन रखिए साथ और अंडरलाइन कीजिए जी क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे एज फीचर है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज फीचर है, पेरिटी फीचर है, सिम्टम्स फीचर है, ये चार चीजें को अंडरलाइन कर लो। फिर बोलो इसमें जी सर, सर इसमें फिर सर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ना, एज केस गिवन टू मी शी इज पैरा 3 35 ईयर ओल्ड, कंप्लेन ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना विद आल्सो कंप्लेन ऑफ अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया। सर पहले फिर मैं पूरा केस बोल के फिर सर मैं उसे आगे फर्दर करूँ ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम बोल दीजिए। तो आपने बोला तो लेस देन हाफ ए मिनट लगा जी सर, कोई नुकसान नहीं है, नो लॉस ऑफ टाइम। लेकिन अगर नहीं भी बोलते तो इट इज अंडरस्टूड कि एग्जामिनर को भी पता है इन चार बातों का, आपको भी पता है। एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ा सा ये बता दूं फिर ये डॉक्टर इमरान आप प्रोसीड कर सकती हैं। सर मैं थोड़ी सी कोशिश करना चाहती हूं इस केस पे जी। नहीं नहीं, मैं अगला केस आपसे करवा लूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर शाहिदा सर। शाहिदा कहाँ से? मुल्तान। ओ मेरे निश्तेरियन होगी, तुमसे तो करवाना जरूरी होगा। चलो अगला केस तुमसे करवा लूंगा, इमरान ने अब वॉलंटियर किया, इसको टाइम देते हैं, हमारे पास टाइम है तो चले जी। इमरान आई एम सॉरी इस तरह की डांट आपको। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी सर इसमें कोई बात परेशानी वाली बात नहीं। दैट्स हाउ थिंग्स गो रॉन्ग इन दैट। मैं तो इम्तिहान फोकस हूँ तो इम्तिहान में ऐसे ही चीजें होती हैं कि वो आपने 65 कर दिया कि अच्छा ये इसकी तो 42 है या 40 है, इसको मेनोपॉज होगा कैसे होगा, फिर वो कैसे 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 प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी करते करते सारा वक्त उसमें चला गया, उसके तो नंबर ही नहीं है और आपको जीरो नंबर मिल गया। So don't digress from the mainstream. यहाँ पे mainstream ये चार चीजें हैं, उसकी एज है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है, उसकी पैरिटी है और उसकी सिम्टम, बस। ओके सर, सर सर फिर ये मैं फिर टाइम देखता हूँ, चलो 10 बज गए, चलो फिर शुरू कीजिए। हाँ जी ये फीचर बोलो जी। Sir, after that, I will ask about the duration of increase in the intensity of the symptoms, and then I will ask it stay out all the time and comes out only on standing and coughing, and then I will ask it does go inside on laying down spontaneously or manually, or it is reducible or non-reducible. Then I will ask about the urinary symptoms as urgency, frequency, urge incontinence. And then I will ask about the bowel symptom, any history of the constipation, incomplete evacuation of incomplete evacuations. And then I will ask about the abnormal vaginal bleeding and vaginal discharge. And then I will ask about the any history of backache. And I will ask about the history of chronic cough, constipation, and any history of weight lifting. And then I will ask about the any history of feeling of mass in the abdomen. And I will ask about the family history of prolapse. Then I will go obstetrical history. I will ask about the family history. Imrana, sorry. आपने हर सिम्टम से पहले I will ask
ये बोरिंग लगता है एग्जामिनर को लफ्ज बार बार आई विल आस्क जो हमने पहला कह दिया आई विल आस्क फिर ये बोलते जाइए सर उसी में सारा कंप्लीट कर दूं फिर सर फिर आई विल आस्क जितना भी आपने बातें पूछी हैं एक दफा कह के आई विल आस्क अबाउट दिस 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 जो भी बोला आपने क्योंकि एग्जामिनर को बोर नहीं करना आपने वो बोर होके सो जाता है और सो जाता है तो फिर आपको नंबर कहां से देगा आपको उसने सुना ही नहीं तो डोंट बी सच अ प्लेजेंट पर्सन मुस्कुरा के बात कीजिए एग्जामिनर के साथ और जरा थोड़ा सा हैव अ स्माइल ऑन योर फेस डोंट लुक टू टेंस तो ये सारी बातें जमा होके फर्क इन्हीं का फर्क होता है नॉलेज तो आप सबका बराबर है बाबा फिर आप में से पास होती है 10-15% बाकी फेल हो जाती है क्यों हो जाती है नॉलेज तो उनके पास भी था मैं एक जब एग्जामिनर था एक दो कराची की मेरी को एग्जामिनर सारी इकट्ठी हो गई के सर एक बात है कि जी क्या ये फलां फलां नाम वो बड़ी मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट सबको ये फलां फलां नाम लेके के ये तो लोगों को ट्रेन करती है पढ़ाती है और आपने 3-5 दफा उसको फेल कर दिया तो इस तरह से वो जो दूसरों को ट्रेन करती है और वो पास हो जाते हैं खुद नहीं होती तो कोई उसका इम्तिहान के अंदर प्रॉब्लम ही होगी ना प्रॉब्लम इस तरह से होती है तो चलें जी फिर आई एम सॉरी आई वेस्ट सो मच टाइम ऑन दीज थिंग्स लेकिन मैं समझता हूँ मेरे कोर्स में तो मकसद ही यही है कि आपको बताना इम्तिहान में क्या पहन के जाना है कैसे बोलना है कैसे करना है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है चलें सर दिस आर एग्जाम टिप्स जो हमें किसी बुक में नहीं मिलती नॉलेज तो बुक में लिखा हुआ है हाँ किसी किताब में ये बातें नहीं आपकी बात सही है लेकिन मैं ये फैक्टर इसको फैक्टर कहूंगा ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एग्जामिनर्स को बार 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 तो आप ऐसे फैशनी कपड़े भी ना पहने प्लेजेंट क्लोथ्स प्लेजेंट मेकअप प्लेजेंट फेस स्माइल ऑन योर फेस और ये बोर ना करें बार बार आई विल आस्क एग्जामिनर समझ जाता है आई एम सॉरी इमरान लेकिन अब तुम फंस गई जी सर बहुत बुरी तरह सर कोई मसला नहीं है मैं सुना देती हूँ सर हाँ जी चल मैंने तो सारी हिस्ट्री इस तरह से की हुई है सर ओके ओके चल ये यू विल आस्क ऑल दीस क्वेश्चंस उसके बाद फिर क्या सर देन मेडिकल हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज हाइपरटेंशन previous surgical history, smoking history and social economic support at home. Then I will go for the examination, her BMI, BP, and I will check the her pallor, thyroid enlargement, and then respiratory examination to auscultate the chest and abdominal examination to see the any mass. And then I will go the... जी सर ये बिल्कुल ठीक बोला ऐसे ही बोलना चलें आगे चल सर एंड देन गो फॉर द लोकल एग्जामिनेशन टू सी द वल्वा एंड वजाइना एंड इफ एनी ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज देन आई विल डेमोंस्ट्रेट द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस टू अपार्ट द वल्वा एंड आस्क द पेशेंट टू कफ एंड देन इफ देयर इज नो ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज यहां पे आप सब एक मिनट आप सब इस पॉइंट पे फेल होते हो आप आज फेल हैं सर यहाँ पे तो हमें मास को डिस्क्राइब करना है ना नहीं मास तो है नहीं ना एब्डोमिनल में कोई नहीं है तो एब्डोमिनल पे हो गया ना कर लिया लोकल लोकल इसको क्यों कर रहा हूँ फुल ब्लैडर के साथ करना है जो भी है उन्हें सही बोला है एक तरफ तो आप एग्जामिन करते हो पेल्विक एग्जामिनेशन
बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, और उससे पहले एक लाजम बात है जो शैला ने बोली कि आप कहते हैं पेशाब करके आओ फिर लेट एम्प्टी योर ब्लैडर, और जब ब्लैडर एम्प्टी है फिर उसको कैसे डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो आप ये कहिए शैला, थैंक यू, आप ये कहिए आई डू बाइनल पेल्विक एग्जामिनेशन इन दिस पेशेंट, आई कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट वेदर देयर इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट और नॉट बिकॉज द पेशेंट हैज ब्लैडर एम्प्टी, ये कहना है। सर मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगी, एक मिनट, ये मैं फिर आपने ये अल्फाज कहने हैं, इन दिस पेशेंट बिकॉज द ब्लैडर इज एम्प्टी आई कैन नॉट एग्जामिन हर फॉर डेमोंस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जी आप बोलिए क्या पूछ रही थी आप। सर इस बात का सर मुझे इलम है कि सर पेशेंट से लाजमी पहले पूछना है ब्लैडर एम्प्टी है या वो जो है ना यूरिनेशन उसकी मुकम्मल है सर, लेकिन मैं सिर्फ एक्सटेंडेड टॉक्स के लिहाज से सर, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन में ये सारी मतलब जैसे स्ट्रक्चर वाइवा है तो इस तरह से बोलेंगे तो टाइम लगेगा, मैंने इसलिए इसको सर स्किप कर दिया था, सिर्फ मैं यही कन्फर्म करना चाहती हूँ कि ये सारी लाइन बोलनी है। ये लाइन बोलनी है आपने, ये लाइन लाजम है कि व्हेन यू डूइंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन नंबर वन यू हैड इंश्योर्ड दैट ब्लैडर एम्प्टी है, क्योंकि ब्लैडर की मौजूदगी में आप बाई मैनुअल नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा ब्लैडर यूरिन से भरा हुआ पड़ा है, हाउ डू यू नो कि वो ओवेरियन सिस्ट है क्या है क्या नहीं, तो इसलिए आपने ये फिक्र बोलना है कि बिफोर डूइंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन और पेल्विक एग्जामिनेशन I will ask the patient to empty her bladder. और फिर एक मिनट, फिर जब बाईमैनुअल कर लिया तो उसके बाद आपने ये फिक्र बोलना है इन दिस पेशेंट आई कैन नॉट एग्जामिन हर फॉर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बिकॉज ब्लैडर इज एम्प्टी, बस फिर आगे चल पड़ना। जी आप में से कोई कुछ पूछना चाहता फिर हम इमरान के पास वापस जाते। सर डेमोंस्ट्रेशन की बात करनी है, दो पूछ रहे हैं एक पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो डेमोंस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन दोनों की बात करूंगी ना कि नहीं कर सकूंगी मैं फर्स्ट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये दोनों की बात हो रही है। आप वो कहती है फिर क्या करोगे, कहो जी इस बाई मैनुअल के बाद I will ask her to fill up her bladder, come back, and then I'll do examination for stress incontinence. बस वो ज़ाहिर है इम्तिहान में इतना वक्त होता नहीं है, वो आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिल गए। चलो इमराना we go back. आप bimanual examination करेंगे फिर। जी जी and clean and reduce it and then I will do the bimanual examination to assess the uterine size. And any adnexal pathology, then examine the patient in same position to examine the any anterior seal. I'll examine. Sir, anterior seal, rectal seal or anterior seal? Anterior seal. अच्छा अच्छा. वो कैसे करोगे? Sir. जी जी सर 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 आस्क द पेशेंट टू इन द लेफ्ट लेटरल आर इन सेम पोजीशन आई विल अप्लाई हां तो फिर यहां आपने बोला नहीं लेकिन बोले बगैर आपने ये कहा तो आपको तो नंबर ही नहीं मिले। आफ्टर बाईमैनुअल एग्जामिनेशन जो बाईमैनुअल एग्जामिनेशन तो किया आपने डोर्सल पोजीशन, ये अल्फाज बोलने हैं बाबा यहाँ पे फेल होते हैं। आई विल आस्क द पेशेंट टू चेंज हर पोजीशन, फिर वो पोजीशन आप लेफ्ट लेटरल कहे सिम्स कहे लिथोटमी कहे जो भी कहे वो ठीक है, लेकिन कहे बगैर आप फेल हो। सर जी सर सर आप सर मैं छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगी सर, जो मेरा मतलब मेरा अपना केस आया था सर यूवी प्रोलैप्स का सर, उसमें मैंने सर ये जो मैंने ये सारा एग्जामिनेशन बताया मैम को सारा और डोर्सल पोजीशन भी और सिम पे मैंने यही कहा कि देन आई मेक द पेशेंट लाइन द सिम पोजीशन एंड अप्लाई द जेल ऑन द टिप ऑफ सिम, से ये शुरू किया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे बेटा ये बताओ कि सिम पे देखोगी क्या,
सर उन्होंने मुझे बीच में मतलब इंटरप्ट कर दिया, तो सर इस दफा मैंने ना उसको दो लाइनों में किया। नहीं नहीं, वो ऐसा ही होगा जो उन्होंने किया, ऐसा ही होगा, क्योंकि दे आर सेविंग टाइम फॉर यू। देखे वो उन्होंने कहा चलो हमने प्रज्यूम कर लिया कि आपने लेफ्ट राइटर या सिम्स पोजीशन में सिम्स डाल के देखा क्या, आपने देखा फिर वही कि सर्विस को देखा, एंटीरियर वॉल को देखा और साथ ये जो आप इतना घूम फिर के वहां पहुंची हैं, एनी बल्ज और उसको स्टेन करके भी करवाओ कि एनी प्रेजेंस ऑफ एंट्रोसी। सर सर क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि आई विल एग्जामिन द पेशेंट इन डॉर्सल एज वेल एज इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूजिंग सिम्स स्पैकुलम एंड आस्क द पेशेंट टू कफ टू नोट एंड डिग्री। ओ सुन लो, अच्छा ठीक है ठीक है। जो डॉर्सल में क्या करेंगे, लेफ्ट लैटरल में क्या करेंगे, अलग अलग बोलो, यहीं पे फेल होते हो आप लोग। ठीक है सर। क्या लगता है in dorsal position, inspection of the vulva, then bimanual examination, and then I cannot demonstrate stress incontinence, but I will ask the patient to shift her position into left lateral via Sims. Okay, Sims बोलो सही, Sims position आनी चाहिए आपको, जो अक्सर आपको नहीं आती, जो अक्सर आपको नहीं आती, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए सिम्स। इन दोनों में तो स्पेकुलम का भी फर्क है ना, जैसे डॉर्सल में तो सर हम कस को यूज करते हैं और सिम में हम सिम स्पेकुलम। जहां तक स्पेकुलम का तल्लक है वो तो समझो इन केस वेयर यू सस्पेक्ट यूट्रोवेजर प्रोलैप्स, कस को उसको बाहर फेंक दो। यू विल नेवर यूज कस्कोस इन अ पेशेंट वेयर यू सस्पेक्ट यूट्रोवेजर प्रोलैप्स। ये जिसने डाला कस्कोस वो फेल हो, क्योंकि कस्कोस के ब्लेड एंटीरियर वजाइनल वॉल को कवर कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो सिस्टोसील लैक्टोसील है कि नहीं। अगर आपका केस यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स आज का, ये लिख लो, अंडरलाइन कर लो दो तीन दफा, एक मिनट, अगर आपका केस सस्पेक्टेड यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स है, आपने कस्कोस को नेड़े नहीं जाना। The only speculum examination is Sims speculum. उसकी पोजिशन आप ये दो तीन में से जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन कस्कोस का तो लफ्ज ही उड़ा दो ना। मैंने बहुत सारों को फेल होते देखा है इस पे, उन्होंने कस्कोस डाला कि ये कस्कोस क्यों डाला, तेजी के सर्विक्स को देखने के लिए, बस फेल। POPQ examination then? Hi? How we do POPQ examination? How do we do? Yeah. In which position we do POPQ? POPQ examination? Classification according to POPQ? जी, आप इस position में जो dorsal position में है, वहाँ पे patient दो पक्ष सकते हैं। एक patient को strain करें, whether service comes out or not. कम्स आउट तो कितनी वो उसकी स्टेज बाल्डी वॉकर की पोजीशन मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, 1, 2, 3, 4, ये वो स्टेज 2 है 3 है 4 है, इसके लिए नंबर 1 और साथ इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा, नंबर 2 बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, बस उसके बाद आप आएंगे स्पेकुलम एग्जामिनेशन। जहाँ सस्पेक्टेड यूट्रोवेजर प्रोलैप्स है, it is always teen dawa bola sims sir to the, first or second degree mein to cus ko nahi use kar sakte sir, ye to third or fourth degree mein cus ko, jab aap sims dekhenge usme cervix bhi nazar aayegi, agar first degree hai phir bhi sims mein nazar aayegi aapko, to aapne maine kaha na maine fail hote dekhe candidate baba cus ko कस्कोस तो बाहर है, बल्कि उसको कह दीजिए मैडम ये कस्को उठा के बाहर फेंक। ठीक है सर। पेप्समियर को कभी क्यों कह जी मैं फेल नहीं होना चाहती मैडम। जी सर। तो कस्को तो इतना दूर है सर,
फिर इसमें पॉप क्यू क्वांटिफिकेशन कहना है एग्जाम में पोजीशन का, मुझे वो नहीं आती, मुझे सिंपल यही बॉर्डन वॉकर की आती है 1 2 3 4 और थोड़े एग्जामिनर नु भी यही आती है सर, हमें बीचम आती है। अरे तो अच्छा जो भी आती है आप मेरे फिर बोलिए, अलग से स्टेशन आता है। एक मिनट, एक जनों बोला इनको बीचम आती है तो आप बोलिए अकॉर्डिंग टू बीचम क्लासिफिकेशन दिस इज दिस ऐसे। सर मुझे आज समझ आई है कि मैं क्यों प्रोलैप्स पे फेल हुई, क्योंकि मैंने कस कॉस डाला था। मैं सोचती थी कि एग्जामिनर ने मुझे क्यों फेल किया और सर आज मुझे ये रीजन पता चली है। यू आर टोटली राइट। तो आप सर एक दिन बताएं तो कस को जो है कब डालते हैं और ये सिम की क्या वो होती है सर, इसकी टर्मिनोलॉजी की मुझे कभी समझ ना आई सर। सर ये कुछ टिप बता दें कि ये कस्कू की एग्जामिनेशन कहाँ पे ये करनी चाहिए, कस्कू स्पेकुलम डालनी चाहिए और सिम की किधर डालनी चाहिए। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। एक्सेप्ट यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, चाहे वो वॉल्ट प्रोलैप्स है, चाहे यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है, चाहे सिस्टोसील रेक्टोसील है, कोई भी है, इन को आप एग्जामिन करेंगे सिर्फ सिम्स के साथ। ओनली को अंडरलाइन करो रेड के साथ, ओनली सिम्स। बाकी जितनी प्रॉब्लम है गायनिकोलॉजिकल उनमें आप कस्कोज इस्तेमाल करो। आपने पैप्स मिल लेना है, आपने सर्विस को देखना है, आपने हाई विजल स्वाब लेना है, आपने ये करना है, वो करना है, जो करना है, बाकी सब में कस्कोज इज अलाउड। समझ गई सर? एक दफा दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। एक्सेप्ट यूवी प्रोलैप्स, मैंने कहा कि जहां प्रोलैप्स का कोई पेशेंट है, चाहे माइनर डिग्री है चाहे मेजर डिग्री है, उसमें आपने ओनली ओनली सिम्स एंड दैट टू either in left lateral position or Sims position or lithotomy position. अगर आप Sims इस्तेमाल करें तो examiner को अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी practice करें, हम करते नहीं है Sims। थोड़ा सा बोल देते Sims position जो है वो है कि जो नीचे टांग है वो स्ट्रेट होगी, ऊपर की टांग जो है राइट लेग वो फ्लेक्स होगी और दोनों शोल्डर बेड को टच कर रहे होंगे, और इसके लिए प्रेफरेबली लेफ्ट आर्म साइड से हैंग कर रही होगी, ओनली देन दोनों शोल्डर टच करते हैं बेड को। इसका फायदा ये है कि इस पोजीशन में आप इजीली सिम्स डाल के सब कुछ देख सकते हैं, किसी हेल्प की जरूरत नहीं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में अनफॉर्चुनेटली जो कि दोनों टांगे फ्लेक्स है तो अपर बटक जो है ओवर हैंग करती है, आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करती है। आप वहां मैडम खड़ी है, अब मैडम को कैसे कहेंगे कि मैडम ये बटक को उठाओ, वो उठा मैडम नाराज हो जाएगी, वो नमा नमा नेल पॉलिश जरा है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैडम को कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि हम आउटडोर में जनरली लेफ्ट लैटरल इस्तेमाल करते हैं इसलिए इट गोज। लेकिन इफ यू हैव अ चॉइस देन सिम्स पोजीशन इज लॉट बेटर फॉर यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स एग्जामिनेशन एंड स्पेकुलम एग्जामिनेशन, सिम्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन देन लेफ्ट लैटरल। सर वॉल्ट सिस्टोसील और रेक्टोसील में भी सेम होगा ना, बस यूवी प्रोलैप्स में हमेशा सेम है, कोई क्वेश्चन? आपने बिल्कुल सही फिक्र बोल दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर, जजाकल्लाह। तो ये देखिए मेरी गवाही दे दी उस कैंडिडेट ने जो कस्कोस डाल के उसको समझ ना आई कि मैं फेल क्यों हूं। अब मैं ये दो तीन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इतने फेल होना चाहिए आप? सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे नहीं? आप
एफसीपीएस पार्ट टू पे पहुंच कैसे गई कि अगर आपको ये नहीं आती, आती हैं, आप सबको आती हैं, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। तभी मैं, मुझे कोई एतराज नहीं, हम बार बार फाइब्रॉइड, हैवी मसल ब्लीडिंग, प्रोलैप्स ये करते भी जाए, इनफर्टिलिटी, तो मुझे कोई नहीं, चूंकि हर दफा मुझे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो जहां पे आप फंबल करती हैं, फंबल करती हैं, क्या आता है लेकिन अटक जाती हैं। सर ये केसेस तो बहुत कॉमन है सर, ये वाले सारे, ये तो इनमें नहीं फेल होना चाहिए, इनमें फेल नहीं होना चाहिए आपको। चलो सर, एक्चुअली ना एग्जाम में हमारा एक स्टेशन आता है पॉप क्यू पे, तो इसलिए सारी कंफ्यूजन होती है पॉप क्यू क्लासिफिकेशन पे। एक स्टेशन किस पे होता है? पॉप क्यू क्लासिफिकेशन, आप पॉप क्यू करके दिखाएं पेशेंट पे, तो अब नेट पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उसको देख के, तो वो डॉर्सल में कर रहे होते हैं और कस्कोस भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है बेसिकली। आज के मेरे इस क्लास के बाद You will not have confusion. अगर आप आज मेरी बात नहीं मानते, वो आप तक। आपकी बात सही है, लेकिन जब हम पॉप क्यू कर रहे होते हैं तो वो भी हमने सेंस पोजीशन में करना है। मैंने बोला ना कि जो ही यूट्रोवेजर प्रोलैप्स का केस है, वो ट्रे में पड़े हैं स्पेकुला वेरियस। आपने कह देना मैडम को, मैडम ये जरा ये कसकोस उठा लीजिए। वो कहेगी क्यों? कि मैडम मुझे इससे डर लगता है, खौफ आता है, ये पेशेंट पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स है। तभी टर्मिनोलॉजी बदल गई, पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स, दैट मींस इट कुड बी ओनली सिस्टोसील, इट कुड बी ओनली रेक्टोसील, इट कुड बी ओनली Enterocele, it could be vault prolapse, it could be total 1, 2, 3, 4. ये तो वो सब का केस अगर कोई है तो आपने कस्कोस नहीं इस्तेमाल करना, बस बस। आप यू विल बी कंफर्टेबल, आई अश्योर यू विल बी कंफर्टेबल। तो वो देखें, आप ही में से किसी ने क्लास में बोला सब कुछ ठीक हुआ लेकिन कस्कोस इस्तेमाल हो गया तो फेल हो गया। What a pity, what a pity, सब कुछ आने के बावजूद फेल। यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि आपको सब कुछ आता है फिर फेल होना, तो ये तो फिर आप लमिया को ब्लेम करते हैं कि सब कुछ आता है, सब कुछ ठीक बताया, ये भी बताया, वो भी बताया, फिर क्यों हो गया? आपने पेप्समीर भी लेना है या सवाल आया, तो वाई नॉट यही सिम्स के साथ, Why not? आखिर मुझे ये बताइए, पेशेंट लिथार्मिक पोजीशन में है, आप उसके कोई EUA, DNC कोई प्रोसीजर करने वाले हैं, वो वहां तो हम सिम्स ही इस्तेमाल करेंगे ना। अगर सिम्स करेंगे और उसका पैप्समियर लेना है तो कोई माने चीज है? कोई मना करती है आपको कि इसमें सिम्स के साथ पैप नहीं ले सकते ना? अगर आप कहें जी पहले मैं कसकुस डाल के पैप स्मियर लूंगी फिर लेफ्ट लेटर पे एवेल्युएट करूंगी प्रोलैप्स, तो फिर सवाल ये आता है क्या आप सिम्स के साथ पैप नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो आज का मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, लेकिन शायद यही बेहतर हो आप लोगों के लिए। सर प्रोलैप्स में तो हम सिम के साथ आराम से ले सकते हैं पैप स्मियर ना? हाँ, वो तो सर्विस बार आई पे दूंगी, उसकी इजी एक्सेस है। सर तो, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जैसे हम देखते हैं कि पूछ लेंगे पहले पेशेंट से कि ब्लैडर एम्प्टी है या नहीं, और अगर एम्प्टी है फिर तो हम नहीं करेंगे, एग्जामिनर को बोल देंगे, लेकिन अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो हम उसको ये डेमोंस्ट्रेट कर देंगे, उसे कफ का कह के देख लेंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप पे उसको कहोगे एम्प्टी करके आओ, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है वो, आप कहेंगे वो तो वो कहेगी ये आपने एम्प्टी क्यों कहा कि मैडम
for bimanual examination or complete examination, yes, bladder should be empty. However, yes, sir, I want to ask. Of GSI, general stress incontinence, I will ask her to fill up her bladder or then examine her. Bas. Yes, sir. Thank you so much, sir. आज के इसी पे बात चली गई. आई एम नॉट क्वाइट कंफर्टेबल के बाकी बात ना हो. शैल वी कंटिन्यू दिस विद अदर टू थ्री केसेस? यस सर, डेफिनेटली. यस सर, सॉरी. यस सर, सब मेरा ख्याल है हम एग्जामिनेशन पे ही रुके रहेंगे. यही पे रुकी रहेगी बात. सर, इसकी मैनेजमेंट पे डिस्कस करें सर. एक दफा केस कर ले फिर लड़कियां बाद में क्वेश्चन करें सर. इस तरह से सारा केस ही अगले इमराना बीबी को फिक्र ना कर, अगली दफा तुम ही से शुरू करूंगा. नहीं नहीं सर, मैं फिक्र नहीं. बस वो सर मुझे बस ये है कि अब जैसे ये पेशेंट 35 ईयर की है और उसको यूरिनरी सिम्टम है सर, इसकी हम मैनेजमेंट तो अच्छे से डिस्कस कर लें सर. मुझे तो इसी में मसला है सर. अब तो दो तीन मिनट में मैं हरिली नहीं करना चाहूंगा. अब मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ अगर तुम आओ तो ये ना हो अगली बार तो आप ही गायब हो. तो मैं इसी केस को यही कागज में सामने रख लेता हूँ. सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. आपने जो भी स्ट्रेस वाली बात की कि जब हम ब्लैडर एम्प्टी पहले ही पेशेंट का करा देंगे, तो अगर पेशेंट को पहले से स्ट्रेस के सिम्टम्स अगर हों और हम कहें कि जी अब हमने इसका एग्जामिन करना है फॉर स्ट्रेस, तो फिर तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? फिर हमें तो ब्लैडर एम्प्टी नहीं करा. मैं आपके ये बात आसान कर देता हूँ. अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो मैं कहूँगा, आप कहेंगी एग्जामिनर को कि मैडम भी इसका ब्लैडर एम्प्टी नहीं है, तो मैं इसको कहूँगी पानी और पियो. चूँकि स्ट्रेस के लिए फुल ब्लैडर चाहिए, फुल ब्लैडर लफ्ज़ है फुल ब्लैडर. ऐसी थोड़ा सा पेशाब आया काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा पेशाब. सो आई विल आस्क हर टू ड्रिंक मोर वाटर एंड फिल इट अप देन कम बैक. उस वक्त जी पेशाब कम किया था आपने आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले, कि नहीं थोड़ा सा पानी आप पीजिए जब आपको पेशाब बहुत ज्यादा आया. ये इंस्ट्रक्शन है, जब आपको पेशाब बहुत ज्यादा आया हो फिर आइए, फिर मैं आपको एग्जामिन करूंगी कि आपका ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कि नहीं, पेशाब का लीकेज है कि नहीं. फिर भी तो आपकी हेल्प के लिए हो गया ना, अब उस पेशेंट को हम बाहर जाने देंगे टू ड्रिंक मोर वाटर. अलबत्ता फिर उसके बाद कितनी देर वो आएगी वापस, उसके बजाय पेशाब करवा के दो मिनट आ जाओ और हम आपको अदर देन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सारा इम्तिहान एग्जामिनेशन मुकम्मल कर लेंगे और फिर बाद में होता रहेगा. फुल ब्लैडर, फुल ब्लैडर करने के लिए आधा पौना घंटा घंटा लगता है. Okay, sir. Okay, sir. तो हाफ हाफ फुल नहीं चलता. आपका सवाल था अगर हाफ फुल है तो फिर क्या उसको कर लेंगे ना? अगर डेमोंस्ट्रेशन नहीं हुई तो डजंट मीन के स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है. नहीं, आप उस वक्त कहेंगी जब ब्लैडर फुल, फुल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ब्लैडर फुल होगा. ओके सर, ओके सर. एक क्वेश्चन था सर. सर, एक एग्जाम में उन्होंने पिक्चर रखी हुई थी हमारे डे पे, और उस पेशेंट को सर उस पिक्चर में प्रोलैप्स था और प्रोलैप्स के साथ सर बॉडी ऑफ द यूट्रस पे कोई था. अब वो कहने लगे कि ये अल्सर नहीं है, और वो डेफिनेटली सर अल्सर लग भी नहीं रहा था कि डेक्यूबेटस अल्सर है. वो उसको ज्यादा ऑनकोलॉजी में लेके जा रहे थे. तो सर हम उसको कौन सी जगह का सीए कहेंगे, क्योंकि सर वो बॉडी ऑफ द यूट्रस पे था, सर्विक्स पे नहीं था, प्रोलैप्स सारा बाहर था. नहीं, 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 एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए. बॉडी ऑफ द यूट्रस तो हम नजर ही नहीं आती, चाहे थर्ड डिग्री क्या जिसको प्रोसीडेंशिया कहते हैं, फोर्थ डिग्री वो भी हो, बॉडी इज कवर्ड बाय वजाइना. तो अगर आपको कोई ग्रोथ अल्सर
पॉलिप नजर आ रहा है वो वजाइनल है या सर्वाइकल है, बॉडी ऑफ द यूट्रस नहीं आती नजर, चाहे सब चूंकि जैसे जैसे आती है वजाइना साथ साथ चली आती है, इट इज कवर्ड बाय वजाइनल वॉल्स एंटीरियर पोस्टीरियर, सो उसमें कोई अल्सर कोई ग्रोथ कुछ भी नजर आया वो वजाइना का है, वो वजाइना का है, वो बॉडी ऑफ द यूट्रस का नहीं है। तो इसलिए आप कहेंगे दिस इज द केस ऑफ प्रोसिडेंशिया थर्ड डिग्री यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। हाउएवर एट द अपर पार्ट ऑफ दिस प्रोलैप्स आई कैन सी सम अल्सर सम पॉलिप जो भी आपको नजर आया सम ग्रोथ, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दीजिए, लेकिन दैट बिलोंग्स टू वजाइना और सर्विक्स, अगर सर्विक्स के पास। सर हम डायग्नोसिस में उनको उन्होंने पूछा डायग्नोसिस बताएं व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस इसको देख के, तो अगर वो सारा बात करता था थर्ड डिग्री यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है प्लस वो जनरली उस तरह का अल्सर यूक्यूबिटस अल्सर नहीं होता वो ट्रॉमेटिक होता है, वो ट्रॉमेटिक। सर हम उसको मैलिग्नेंट अल्सर कह सकते हैं? नहीं जी, मैलिग्नेंट तो वजाइना में बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही। तो फिर वो लोग तो ऑनकोलॉजी क्यों बजा रहे थे ना सर? एक मिनट आज की ये दो मिनट की मेरी ये बात भी नोट करें कागज पेंसिल से। जब आप अल्सर डिस्क्राइब करेंगे कहीं पे भी बॉडी में, नंबर वन उसका साइट बताएंगे, साइट, नंबर दो साइज, नंबर तीन उसके मार्जिन्स, नंबर चार उसकी बेस, अल्सर के दरमियान में जनरली नेक्रोटिक मटेरियल पड़ा होगा या ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा कुछ भी है, उसकी बेस, फिर आखिरी उसके सराउंडिंग एरियाज। ये पांच बातें अल्सर की बोलनी है आपने, चाहे वो डीक्यूबिटस अल्सर है। नंबर वन साइट, देयर इज एन अल्सर ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। नंबर टू इसका साइज, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2-3 सेंटीमीटर साइज। नंबर तीन कि इसके मार्जिन्स क्योंकि कैंसर में मार्जिन्स एलिवेटेड होते हैं, मार्जिन एलिवेटेड होते हैं, जो इन्फेक्टिव होता है उसके मार्जिन एलिवेटेड नहीं होते। फिर नेक्स्ट मार्जिन के बाद उसकी बेस इज कवर्ड बाय पुरुलेंट मटेरियल पस और बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू और नेक्रोटिक मटेरियल, ये ऐसे बोलेंगे। आखिरी सराउंडिंग एरियाज लुक एडिमेटस और इनफिनिट और हेल्दी। ये पांच बातें अल्सर जहां पे भी आप देखें बॉडी पे, आर्म पे है, चेस्ट पे है, एब्डोमेन में है, ये पांच बातें आपने बोलनी है। सर ये मार्जिन्स किस में एलिवेटेड होंगे? इन्फेक्शन में तो आपने कहा नॉट एलिवेटेड, मैलिग्नेंसी में वो रैपिडली ग्रोइंग मार्जिन होता है, तो इसलिए मार्जिन उठे हुए होते हैं। आप देख लीजिए कोई मैलिग्नेंट अल्सर आपको पता अंदाजा हो जाएगा। ये सर्विक्स कह सकते हैं लड़कियां, तो उसको सीए सर्विक्स सर्विक्स I cannot give you the size. सर आपने अभी कहा कि non to vaginal, वो वाली बात में थी। सर आपने अभी कहा कि any ulcer polyp अगर आपको upper part of the uterus पे आता है तो वो it belong to the vagina, not the like. क्योंकि prolax में आप देख ही सिर्फ vagina रहे हैं, uterus तो covered है by vagina. तो उसको malignancy में ये cervix नहीं define कर सकती, like मुझे इस बात में ये सर्विक्स तब होगा अगर वो अल्सर सर्विक्स के पास है या ग्रोथ सर्विक्स के पास है, बॉडी पे नहीं हो सकता, बॉडी वाला जो होगा वो फिर वजाइना, बॉडी वाला नजर नहीं आएगा, इट इज कवर्ड बाय वजाइना, अनलेस के वो अल्सर जो अनलाइकली है इज इन
invading or infiltrating into vagina. ठीक है सर. सर इसको हम जब इस तरह की कोई बात आ जाए तो उसमें तो हम उसको कहेंगे ना कि सर दिस इज अ लेजन, वी कैन नॉट से इट डेफिनेटली कि दिस इज द, क्योंकि हम तो इसको डायग्नोज तब करेंगे जब इसकी कोई हिस्टोपैथ हमारे पास होगी. हाँ, तो आप नहीं होगी. When तो you say तो अल्सर, हाँ. दिस नंबर वन यही बोलिए इन्फेक्टिव, नंबर दो ट्रॉमा, नंबर तीन फिर मलिग्नेंसी. ठीक है. और सर इसको मैनेज कैसे करेंगे इस तरह के केस डॉक्टर, इस पे ट्रीटमेंट तो बिल्कुल बायोप्सी नहीं पाओगे. हां तो फिर के लिए मार्जिन. अच्छा, अल्सर की बायोप्सी हमेशा मार्जिन से लेनी है. जी सर, हमेशा मार्जिन से लेनी है. और सर सराउंडिंग टिश्यू साथ हेल्दी वो साथ आना चाहिए. वो सराउंडिंग टिश्यू डिस्क्राइब करेंगे आप, लुक्स हेल्दी, लुक्स एडिमेटस, लुक्स स्वोलन और लुक्स इन्फिल्ट्रेटेड, के वो जो अल्सर के वो कहीं साइड से वो दूसरी तरफ भी अल्सर बन रहा है. सर अगर बायोप्सी के बाद इसमें मैलिग्नेंसी आ जाती है तो फिर हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे? और फिर कहेगी मैलिग्नेंसी है तो फिर नंबर वन आई विल स्टेज, नंबर टू आई विल डू अदर इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट वेदर द ग्रोथ हैज मेटास्टेसाइज्ड इनटू द लिम्फ नोड्स, into the chest, into the liver or not. वो MRI, CT वगैरह वगैरह आजकल PET भी आ गया, तो उसके साथ करेंगे. और फिर हम local staging हो गई, वो distant metastasis हो गया, accordingly फिर हम उसका treatment करेंगे. सर ये जो अल्सर होता है सर prolapse के साथ, सर ये भी तो malignant में convert हो सकता है ना? नहीं, बहुत unlikely. चूंकि ये बेसिकली इस्केमिक अल्सर है, इस्केमिक अल्सर है, तो इसलिए उसकी कन्वर्शन इनटू सीए सर्विक्स नो, मैंने देखा, आप भी नहीं बोले. आप उसको डी क्यूबिटस, अभी आप में से किसी ने कहा अगली दौर डी क्यूबिटस अल्सर की बात करनी, तो आप उसको डी क्यूबिटस अल्सर बोलेंगे. वो क्या होता है? इस्केमिक अल्सर. वो क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट डिपेंडेंट एरिया ऑफ द सर्विक्स is getting less blood supply because the blood vessels are squeezed at the top. वो stretch हो जाती है, stretch होके वो narrow हो जाती, कोई चीज stretch करो तो narrow हो जाती, thin हो जाती. सर बस मैं एक लाइन में सर आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ अपने केस के बारे में. सर जैसे कि ये पेशेंट 35 ईयर ओल्ड है, पैरा 2 है सर, और सर इसमें सिर्फ हम सर मैंने इसे हिस्ट्री पैसरी की हिस्ट्री नहीं ली ना सर, हम इसको सिर्फ दो मैनेजमेंट ऑप्शन इसको देंगे ना, एक पैसरी और सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी. आप मुझे वापस उस पे ले जा रही हो. पहले मैनेजमेंट में ही है. पहले तो हम उसको बताएंगे द प्रॉब्लम, आई विल काउंसल हर अबाउट द डायग्नोसिस. नंबर दो, आई विल डू सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस. नंबर तीन, उनके बाद फिर we'll discuss with her management which could be conservative or which could be surgical. इस तरह से बोलेंगे. जी जी सर, बोलना तो इसी तरह से है. चलो बतेरा हो गया, 10 मिनट ऊपर ले लिया आपने मेरे. सर एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी सर, जैसे कुछ हमें कंफ्यूजन है सर, प्लीज एक मंथ प्लीज किसी तरह सर करवा दें आगे. आपकी बहुत सर, हाँ सर, सर आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी सर. हम इतने MCPS वालों को 4 महीने दिए हैं इन्होंने, MCPS वालों को सर, उनका जुलाई में है सर, हम तो जून तक मांग रहे हैं, जून में किसी का भी कैजुअल नहीं है सर. हमें 20 मई तक ही कर दें सर, 25 मई तक कर दें सर, ये इतने रिजिड क्यों हो गए? आज फिर टेलीफोन कर दूंगा, आप इतने कहते हैं सर. आपके फोरम पे हम तकरीबन 600 लड़कियां हैं जो सर आपका लेक्चर सुनते हैं. प्लीज नहीं सर, हम तो इतने बाकायदगी से सुनते हैं. इमरान कितनी कुड़ियां बैठी हैं सर? अब तो 75 हैं सर, वो फिर रिकॉर्डिंग सुनती हैं ना सर. सर हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना सर. मैं तो बल्कि डिप्रेस हो जाता हूँ जब सुनता हूँ.
सर हम लाइव लाइव तो जितने भी हैं, लेकिन हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम आपस में आपके केसेस को डिस्कस करते हैं सर। हमने तो कोई और कंसल्टेंट के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है सर, हम तो आपके साथ ही सिर्फ, क्योंकि आप हमें सही बताते हैं कि किस तरह से फोकस करना है। तो सर हम लोग तो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं और आपके ऊपर सर हमें इस तरह, हम आपसे ही बात कर सकते हैं, हम आपको अपना सुपरवाइजर समझते हैं। जी सर, रिक्वेस्ट इस तरह से कि सर हमें ना, हमें बस बता दें सर, फिर हम मतलब आज और कल में हमें बता दें कि सर करना है कि नहीं करना सर, फिर पूरा हफ्ता बीच में ऐसे मैं ऐसा करूंगा ना कि आज ही टेलीफोन करूंगा प्रेसिडेंट साहब को, तो अगर उन्होंने कहा नहीं तो फिर भी बता दूंगा, वो इमरान शफी को कह दूंगा कि आप सबको मैसेज कर दे। सर आपकी बात करें ना सर, नहीं प्लीज मनवाए, आप उनको फोर्स कर सकते हैं सर, प्लीज आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें सर, नहीं तो फिर वो हमें भी कह रहे हैं ना सर। मैंने यही बोला था, मैंने तो बढ़ा के बोला था मैं सर। जून में कोई स्केड्यूल नहीं है, जून में कोई एग्जाम नहीं है सर, प्लीज वो हमारा जून में ले लें, कोई इस तरह कर लें सर, अपनी तरफ से भी तो वो आगे कर देते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने बगैर किसी वजह के आगे किया है सर, पूरा 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 उन्होंने 32 दिन आगे कर दिया था सर, और वो भी हमें पता नहीं था कि उन्होंने आगे क्यों किया सर। जब उनकी अपनी मर्जी हो तब हर चीज कैजुअल बन जाता है, और अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फिर कम से कम थोड़ा बहुत कैंडिडेट्स का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं। जरा बीबी इस तरह से नहीं बोलते, पहली गलत है ये। आपको एक टिप दूं, आप जिसे रिक्वेस्ट करें ना कि ये मामला, ये मसला, ये प्रॉब्लम इस तरह से हल कर ले, तो ऑलवेज बी फ्रेंडली विद इट। उन्होंने दो तीन बातें कही कि जी एमसीपीएस का ऐसा कर दिया और हमारी बात नहीं मानते, जो दिल करता है मान कर लेते हैं, जब ऐसे नहीं बोलते जिंदगी में, ये आज की बात छोड़ो, क्लास की बात छोड़ो, जिंदगी में जहां पे भी आप हैं इस तरह से नहीं बोलना। आप हमेशा मसले का हल चाहिए तो प्यार से बोलो कि जी आप कर सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, देखे ना हम, आप हमारे मसाइल हल करेंगे तो आप अलमिया ये वो एरा गैरा, इस तरह से बोलते हैं। जिंदगी में हर जगह हर मुकाम पे, घर में बच्चों के साथ, अपने खामन के साथ, ससुराल में, कहीं पे भी हो, इस तरह से बोलना है, प्यार से बोलना है। ये नहीं कहना कि जो तेरा दिल करता कर लेना, जो दिल करता नहीं कर, ये तो लड़ाई है। और के जी yes, आप sir. जैसा चाहे वैसा करते हैं और हमारी बात ही नहीं सुनते, ये भी लड़ाई है, लड़ना नहीं है। जिंदगी में ये असूल बनाओ, किसी से लड़ना नहीं है, प्यार बांटना है, मोहब्बत बांटनी है, और हंसी खुशियां बांटनी है हमें, आपकी जिंदगी बड़ी आसान रहेगी। मैं आपको एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा, आई हैव बीन मैरिड फॉर 54 इयर्स, और बिलीव इट के 50 साल से भी ज्यादा हो गए, मैंने मेरी मेरी बीवी से आर्गुमेंट नहीं, मेरे बच्चों ने हमें दोनों को ऊंचा बोलते देखा ही नहीं। लड़ाई तो बड़ी दूर की बात, अगर आप ये इरादा कर ले मैंने नहीं लड़ना, लड़ाई ही नहीं है बाबा, एक दूसरे की बात सुनो, कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकल आता। यस सर, आप है इतने अच्छे माशाल्लाह। तो इसलिए ऐसे बात अल्फाज आपने सही कर, आपकी अपनी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हैप्पीनेस इज द वर्ड। सर आप हमारे लिए बस आखिरी एक रिक्वेस्ट सर कर दें सीपीएसपी को सर अपनी तरफ से, कि लड़कियां बहुत परेशान हैं, तो देखें हम। यस सर, आप कर सकते हैं प्लीज। अभी थोड़ी देर में करता हूं टेलीफोन प्रेसिडेंट साहब को, फिर देख लो। जज़ाकअल्लाह। चलो ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके थैंक यू। आज आपने मेरे 15 मिनट और चले।